तो फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, मैं स्वामी ओम जी बोल रहा हूँ। आपको मालूम है कि बिग बॉस के घर में मैं सिर्फ और सिर्फ राम राज्य की स्थापना दुनिया में कर रहा हूँ उस लक्ष्य से गया था। इसमें आप लोगों की बड़ी कृपा रही, आज 40 करोड़ नए राष्ट्रवादी लोग मुझे मिले हैं जिनके सहयोग से मैं निश्चित रूप से राम राज्य बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलो, और आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। ये देश गुलाम बनने वाला है। अजय जी का आया यदि अजय जी नमस्कार, यदि आप लोगों का सहयोग नहीं मिला तो विद इन 20 इयर्स ये देश गुलाम बन जाएगा। इस देश को गुलामी से बचाने के लिए, खुद को गुलामी से बचाने के लिए, थैंक यू गुलामी से बचाने के लिए ये जो अभियान चल रहा है, ओम जी रामराज्य महासंघ जो हमारी संस्था है उससे अपने आप को आप लोग जोड़िए। और यू आर ग्रेट सर, स्वामी जी कमेंट पढ़ते रहो, यू आर ऑल्सो ग्रेट। इसमें धूमधाम से पूरे आंदोलनात्मक तरीके से आप लोग ओम जी रामराज्य महासंघ के साथ जुड़िए। खुद सलमान खान जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी उसकी सूट होगी वहाँ उसको मारूंगा, उसका सारा सेट जलाऊंगा और उसको इस देश से भगाऊंगा। स्वामी जी लिख रहे हैं, कैसे हो बाबा जी? मैं ठीक हूँ। नींद आ रही है स्वामी जी? हाँ, तबीयत ठीक नहीं, बुखार है। सुना बिग बॉस वालों ने मारा है आपको? बिग बॉस वालों को मैंने मारा है, वो बिग बॉस के घर में ये चोट लगा था जी, टास्क के दौरान उसने इन लोगों ने लोहे का स्टेपल कर दिया जिससे ये बीच वाली उंगली मेरी खराब हो गई है, उसके खिलाफ केस करूँगा। तो आप इसमें मुझे जो चोट लगे केस करेंगे जी? स्वामी जी न्यूज में आप कल परसों बहुत छाए रहे जी, कैसा रहा, क्या आपसे सवाल जवाब हुए न्यूज में? वही जो आम जनरल सवाल थे जी, अच्छा हुआ उन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब मैंने दे दिया। लोगों में जो कुछ गलतफहमी हो गई थी वो दूर हो गई जी, और लोगों ने एक अच्छे संत के रूप में, रामराज्य के संस्थापक के रूप में मुझे स्वीकार किया जी। बिग बॉस के विनर आप हैं? बिग बॉस का विनर मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगा जी। मनवीर तो मेरा बेटा है, मनवीर को बिग बॉस का विनर मैंने बनाया है। 15 अक्टूबर को ही मैंने कहा था मैं तुम्हें बिग बॉस का विनर बनाऊंगा, तो मनवीर का बनने का मतलब है मेरा विनर बनना। और आगे से बिग बॉस का शो कभी भी नहीं होगा, इवन भी जीत है। अभी भी उन लोगों ने 25 जनवरी को चोरों की तरह सिनेरियो बना करके रखवा दो, ताला लगा हुआ है। स्वामी जी सुनने में आ रहा है 2 तारीख को मायावती के गांव से आपको इनविटेशन आया है? जी हाँ, मैं जा रहा हूँ जी, और लोगों को शुभ संदेश वहाँ से नया संदेश मिल जाएगा। स्वामी जी कुछ आपके फैंस आपसे बात कर रहे हैं जी। स्वागत है, बिना चश्मा के मैं पढ़ नहीं सकता। स्वामी जी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ट्रॉफी कहाँ है स्वामी जी आपके, जो जीते हैं आप? ट्रॉफी दुनिया आप सभी दर्शकों के दिल में, वो लोहे का ट्रॉफी तो मार्केट में भी मिल जाता है जो मनवीर के हाथ में। स्वामी जी नवीन जी नीरव जी लिख रहे हैं कि बाबा जी कीप इट अप, बहुत अच्छा करा आपने। थैंक यू मेनी थैंक्स नीरव। आगे का क्या प्लान है, अशोक शर्मा जी पूछ रहे हैं। आगे का तो प्लान है हिंदू राष्ट्र बनाना है, राम राज्य को स्थापित करना है। तरुण अग्रवाल जी कह रहे हैं आपकी लाइफ तो खत्म, समझो कैरियर खत्म हो गया। मेरी कैरियर तो अभी शुरू हुई है भाई, खत्म कहाँ से हो गया, आपके कहने से थोड़ी होता है। आपका वली खत्म हो गया, मेरी तो शुरू हुई है। देव शर्मा जी आपको राम राम लिख रहे हैं। राम राम, तो नेगेटिव बोला ही मत कीजिए ना। नहीं ये इनको बताओ तो ना स्वामी जी, जाइए ऐसे लोग
क्या बताना उनको जी, जो सलमान खान के चमचे हैं उनसे क्या बात करूंगा मैं। ये भी आइए थे इन्हें निगेटिव पूछिए मत। स्वामी जी कोई पूछ रहे, तरुण अग्रवाल जी आपके दिल में मनवीर विजेता है? मनवीर तो मेरा बेटा है, विजेता तो मैंने ही बनाया है उसको, और मनवीर को आगे मैं राजनीति में लाऊंगा और सफल बनाऊंगा। तो आपका कहने का मतलब है कि आप मनवीर के साथ राजनीति में भी उसका सहयोग करेंगे? जी हाँ जी, जैसे कि कैंपेनिंग कराएंगे? कैंपेनिंग क्या, उसको मैं आगे चुनाव लड़ाऊंगा, अभी तो टिकट का टाइम खत्म हो गया, वरना भी दिला देता मैं। इसीलिए बीजेपी में उसको, उसके बड़े भाई को। कोई ये लिख रहा है जी, मोदी ने आपको टिकट दे दी है, सुनने में मोदी जी ने आपकी सुपारी दी है। मोदी जी मेरे, मोदी जी का मैं प्राण हूँ, मेरे लिए सुपारी दे ही नहीं सकते। ये नवीन जी लिख रहे हैं, मैं से ज्यादा आपको कोई नहीं मानता बाबा जी, आप सबकी जान हो। मैं आपका आभारी हूँ नवीन, खुश रहो और स्वामी जी सबको खुश रखो, गॉड ब्लेस यू बाबा जी। बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, सबका अपना अपना नसीब है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा नसीब तो। अशोक शर्मा जी हम आपके साथ हैं स्वामी जी, मैं आभारी हूँ आपका, रामराज स्थापना अभियान में आप लोग सब सहयोग दें। कोई ये लिख रहे जी, मैं आपके साथ हूँ, कभी भी कहोगे जहाँ कहोगे मैं आपकी हेल्प आपके पास आ जाऊंगा। आप अपना, ये है अजय मोनू जी। अजय जी आप अपना व्हाट्सएप नंबर, एरिया का नाम लिख करके मुझे आप SMS कर दें। तरुण जी पूछ रहे स्वामी जी आपके लाइफ में कितने बच्चे हैं? मेरे लाइफ में 125 करोड़ बच्चे। ये नबीर जी लिख रहे हैं, मेरे से बड़ा आपका कोई फैन नहीं है बाबा जी, मैं आपको बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं आपका आभारी हजूर, मैं आपका आभारी हूँ। तारीफ जी पूछ रहे हैं, बाबा जी मुंबई आओगे तो हम आपका स्वागत करेंगे। मैं मुंबई में बहुत जल्दी आने वाला हूँ। कोई लिख रहे हैं जी, आपने अपनी TRP अच्छी जगह यूज करी स्वामी जी। ये सब आप लोगों की कृपा है, आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों की दुआ है। बाबा जी सलामत रहो, स्मार्ट हो गए हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कोई लिख रहे स्वामी जी आपने लड़कियों के साथ टब में नहाए? सवाल स्वामी ओम यू आर स्टार, स्वामी जी आप स्टार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं हमारे हर्ष मल्होत्रा। हर्ष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पूछिए आप। जहाँ फायदा हो वहाँ मुमकिन नहीं। मैं फायदा के लिए नहीं, मैं सिर्फ रामराज की स्थापना के लिए काम करता हूँ। बाबा जी आपको भी बिग बॉस में मजा आया? नहीं, मैं तो वहाँ किडनेप था, मजा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तो नरक में फंसा हुआ था। बाबा जी अब आपका कितना जीवन आगे है और अब क्या काम करेंगे? 40 साल बाकी है और 40 साल में मैं दुनिया को बदल करके रामराज में। वो एक जन लिख रहे हैं, यू आर विनर इन योर आईज, आप अपनी आंखों में जीत चुके हो। मैं आप सबके आंखों में भी जीत चुका हूं। स्वामी जी वाराणसी कब आओगे? बहुत जल्दी। स्वामी जी अब आपकी आगे, ये मैडम पूछ रही है, अब आपकी आगे क्या है? आगे रामराज जी की स्थापना, हिंदू राष्ट्र की स्थापना, उसमें मैं लगा हुआ हूँ, आप सबका सहयोग हनुमान धन से चाहिए, ऐसी अपेक्षा। स्वामी जी अजय मोनू जी लिख रहे हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई भी काम हो मेरे को ऐड कीजिए और मैं जो भी सहयोग कर पाऊँ। जरूर जरूर, इस पर लिखने के बजाय मेरा जो 9871124 नंबर है उसमें आप SMS करें। ये लिख रहे हैं नवीर जी, स्वामी जी अपनी शरण में ले लो एक बार, मेरा नाम ले लो, लेना होगा ले लो, नीरव नाम है स्वामी जी का। नीरव जी आप हमारे नीरव गोस्वामी, नीरव गोस्वामी।
स्वामी आप मेरे हृदय में हैं और हमेशा रहें। ठीक है दोस्तों, स्वामी जी अभी थके हुए हैं तो शाम को 7 बजे स्वामी जी लाइव आएंगे। हाँ अभी बुखार बुखार है, बिग बॉस से टूटे हुए हैं, आराम करेंगे थोड़ा स्वामी जी। स्वामी जी राहुल जी कह रहे हैं गुड लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। ठीक है तो गाइस रात को 7 बजे, 7 से 8 के बीच में स्वामी जी लाइव रहेंगे।